एक वचन सुबह जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिया कि परमेश्वर ने कहा मत्ती 13 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ना शुरू कर। मत्ती 13 की 10 में लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? कि एक बोने वाले ने बीज बोया, कुछ किनारे पे गिरा, कुछ अच्छी जमीन में, कुछ पत्थरों में गिरा। फिर बाद में चेले पूछते, हमें अर्थ बता दे इसका। तो फिर प्रभु बताते, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। तो ऐसे चेलों ने पूछा, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दे दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग के राज्यों की, राज्य के भेदों की समझ दी गई, इसे लाइन कर लो, पर लोगों को नहीं। हालेलुया। जो तो प्रभु का चेला है, चेला बन के जी रहा है, उसको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी जाती है। स्वर्ग के राज्य के भेद क्या है? कि परमेश्वर ने तुझे बीमार रहने के लिए नहीं, स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए चुना है। हालेलुया। वो प्राप्त करता है और तंदुरुस्त जीवन जीता है। परमेश्वर ने तुझे गरीब रहने के लिए नहीं, ब्लेस होने के लिए चुना है, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है। तो तुम आम नहीं चल सकते, क्यों? और तुम उस भेदों को समझ लेते हो और कोई व्यक्ति ब्लेस हो जाता है। किसके लिए ये भेद दिए प्रभु ने? चेलों के लिए। मैं आपको बताऊं, तुझे भेद प्रकट होंगे। जब तुम भेदों को प्राप्त करते हो, वो चीजें तुझमें आ जाती हैं। मैंने भेद को प्राप्त किया कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, वो मुझे तंदुरुस्त जीवन में जीने की ग्रेस देगा, और उसने मुझे दिया, मैं उसमें चल रहा हूं। मैंने भेद प्राप्त किया कि मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा ना होने दूंगा, और मैं, मेरी लाइफ में कोई भी मोड़ आते हैं तो मैं अड़ा और खड़ा रहता हूं, बोलता हूं नहीं, प्रभु मुझे शर्मिंदा रहने नहीं देगा। हालेलुया। मैंने भेद प्राप्त किए कि ओके, कि बोने के द्वारा खुदा कितना आशीष करता है। अगर हमें बोना आता है तो हम काटने वाले बनेंगे, अगर हम बोने में ढीले हैं तो हम काटने में भी ढीले रहेंगे। मैंने भेदों में ग्रेस टाइम आने के वेट के लिए इंतजार करना सीखा है, कि जब तक किसी काम के लिए खुदा ग्रेस ना दे तब तक उसे शुरू मत करो। जब तक प्रभु क्रूसन की ग्रेस ना दे शुरू मत करो। जब तक प्रभु ब्रांच की ग्रेस ना दे शुरू ना करो। जब तक प्रभु चर्च बनाने की ग्रेस ना दे शुरू ना करो। जब तक प्रभु किसी कार्य के लिए अनुग्रह ना दे। तो हम इस भेदों को प्राप्त करते हैं और फिर उसमें काम करते हैं। समझना, ये भेद किसके लिए? फिर से मैं आता हूं उस बात पर, चेलों के लिए। चेलों के लिए। किनकर पवित्र आत्मा उतरा? जो चेले थे प्रभु से पीछे चलने वाले, समर्पित होके, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर ये पवित्र आत्मा के उतरने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम विश्वासी हो या मसीह के चेले हो? पर चेले पर प्रभु बातें, स्वर्ग की बातों को, भेदों को, रेवलेशन को प्रकट करता है, कि ब्लेसिंग आती कैसे, छुटकारा आता कैसे, फ्रीडम आती कैसे, शांति में कैसे जीने, कठिन परिस्थिति में आनंद से कैसे जीने। भेदों को प्राप्त करना, प्रभु बोझ भेद से कैसे लेना, कि तुम उसे लेके चंगे हो जाओ। किस पर वो प्रकट करता है? अपने चेलों पर। हालेलुया। जो समर्पित होके अपना क्रूस उठा के, प्रतिदिन अपना दुख उठा के, प्रतिदिन आपके लिए मर के जीता है, उसके लिए भेद प्रकट करता है प्रभु, और वो व्यक्ति आशीष होता है। आज एक विश्वासी विश्वासी है इसलिए वो आशीषित नहीं है, अगर वो चेला बने वो आशीषित होगा। हालेलुया। आज एक मसीह ब्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता जो जिसमें चेला जीता है। आज एक विश्वासी पैसे में, बरकत में क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोने में ढीला है। मैं अभी अगर आत्मा में मनन करूं या अनुमान लगाऊं, आप में से 25% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपना दशमांश रेगुलर नहीं बोते होंगे, जो अपना दशमांश रेगुलर नहीं बोते होंगे। क्यों? इसलिए वो आशीषित नहीं है, क्योंकि दशमांश हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। लेकिन जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। किस लिए हम देते हैं? कि प्रभु तेरी दी हुई सृष्टि पर हम काम करते हैं। तेरी दी हुई हवा है, तेरी दिया हुआ पानी है, तेरा दिया हुआ ऑक्सीजन है, तेरी दी हुई कुदरत है, तेरी दी हुई सब जे माल डंगर आशीष काम जमीने सब कुछ तेरा ही है। और हम जब दशमांश निकालते हैं तो हम बोते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सब कुछ जो मेरा है सब तेरा ही दिया हुआ है। हालेलुया। जो दशमांश नहीं बोता वो बोलता है सब कुछ मेरी मेहनत का है। मैं क्यों बोऊं? मैंने मेहनत से कमाया, मैंने कमाई की है,
मैंने मजदूरी की है, मैंने दिहाड़ी लगाई है, मैंने ओवरटाइम लगाया, मैंने संडे भी ड्यूटी की है, मैं क्यों बोऊं? ये मेरी मेहनत है। विश्वासी ब्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि बेट उसके लिए मारो को खोल देगी। वो ये तो प्रार्थना करता रहेगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कर दो मेरे बच्चे अंदर फौरन का मार्ग खुल जाए, पास्टर जी प्रेयर कर दो मेरे लिए अपना घर वर्णन का मार्ग खुल जाए, पास्टर जी प्रेयर कर दो मेरे कोर्ट केस हल हो जाए, पास्टर जी प्रेयर कर दो मेरे लिए सुसमाचार सुनाने के मार्ग खुल जाए, मेरे लिए क्रूसल खुल जाए। पर वो अपनी मिनिस्ट्री का बोए ना, अपना विश्वास ना बोए, अपना स्पेशल ना बोए, तो कैसे उसके लिए मसा यूज करने के मार्ग खुलेंगे? कैसे उसके लिए बच्चों के लिए फॉरन के रास्ते, कैसे उसके घर बनने के रास्ते, कैसे उनकी फैमिली में छुटकारे के रास्ते खुलेंगे? क्योंकि बाइबल तो बताती है पेट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। तो एक मसीह व्यक्ति मार्ग खोलना चाहता है पर वो बोना नहीं चाहता, इसलिए मसीह व्यक्ति आशीषित नहीं है। बाइबल के जो कंगाल को देता है वो यहोवा को दान देता है, जो अनाथ और विधवा की सुधि लेता है परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है वो परमेश्वर उसके कामों का इंतजाम करता है। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, हर सिद्ध कार्य की ओर हमें बढ़ना है। विश्वास के अलावा क्या तुम किसी की हेल्प कर पा रहे हो? लेकिन हर एक अपने ही नहीं दूसरे की हित की चिंता करे। आपको अपनी ही चिंता पड़ी है, तुम दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, ना तो तुम परमेश्वर की सेवा के लिए जी रहे हो भवन के कार्यों के लिए, ना तो तुम धन्यवाद करने के लिए जी रहे हो जो विश्वास बोने के लिए, ना तो तुम दूसरों की मदद के लिए जी रहे हो, ना तो तुम विश्वास के अलावा अपनी स्पेशल बीज भवन बना के प्रभु की सेवा कार्य के लिए जी रहे हो। जब तुम प्रभु के लिए जी नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे, तो एक वचन में लिखा है 12 आयत में, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं जो उससे पास है उसे वो भी ले लिया जाएगा। सबसे पहले कह सकते, जिसके पास वो भेद है उसे और भेद दिए जाएंगे, जिसके पास आशीष है उसे और दी जाएगी, पर जिसके पास नहीं है उससे वह छीन लिया जाएगा। मतलब आपके पास आपके आत्मिक खाते में कुछ जमा होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। जब तुम विश्वास बोते हो, वफादार हो, तेरा धन इकट्ठा हो रहा है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तेरा स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है, मतलब जमा हो रहा है। जिसके पास है, तो जिसने तो कुछ किया नहीं उसके पास तो कुछ भी नहीं है, पर जिसके पास है अब उसका जमा हो रहा है। तुम भवन के लिए बो रहे हो, तुझे और दिया जा रहा है, तेरा जमा हो रहा है। फिर जब तुम यूज कर रहे हो, मतलब तुम अपनी ब्लेसिंग को यूज कर रहे हो, तू महीने का 30-40-50 हजार कमाने वाला है और तू सारा अपने घर पर लगा रहा है परमेश्वर के कामों के लिए, दूसरों की मदद के लिए, जब अपना धन्यवाद की भेंट दशवांश 3 ऑफरिंग है, ये उसे पूरा नहीं कर रहे। जिसके पास है इसका भेद क्या है? प्रभु ने सीधा बोला, मैं प्रेयर से उठा, ये वचन देने है बस और कुछ नहीं। जिसके पास है, मतलब किसी के पास ब्लेसिंग है, वो यूज नहीं कर रहे। कोई तो है जो यूज कर रहे हैं। कई मैंने बोने वालों को देखा, अजी पहली सैलरी आई सारी सैलरी प्रभु के भवन में बो दी। मुश्किल था बोना क्योंकि उसी से गुजारा पूरा महीना चलता था, बो दी। ओके, किसी को देखता हूं, अच्छा जी मुझे एडवांस चाहिए मेरी सैलरी का, कितना जी? पूरी सैलरी किसके लिए? भवन के लिए बोना है। पर ये मैं आपको भेद बताता हूं, लेकिन जिसके पास है और वो यूज कर रहे, मतलब तू धनी मनुष्य है और तू बोने में कंजूस है, यूज नहीं कर रहे, तुझसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। कौन छीनेगा? प्रभु नहीं। लेकिन चोर चुराने के लिए आता है, छीनने के लिए आता है। जब तुम यूज नहीं करते, शैतान चुरा लेता है। जो पास्टर अनॉइंटिंग को यूज नहीं करता, शैतान चुरा लेता है। तुझे यूज करना है। आज एक ही बिंदु पर ध्यान रखो, तेरे पास है उसे उपयोग करो। नहेमिया ने अपनी आरामदायक कुर्सी छोड़ के फैसला किया, जॉब छोड़ के जान का रिस्क लिया। यरूशलेम शहरपना जो टूटी हुई थी, उसके अंदर हलचल हुई, टूटी हुई शहरपना को बनाने के लिए उसे रुका ना गया। उसने काम छोड़ा, अपनी आरामदायक कुर्सी छोड़ी और निकल पड़ा और इतने दिन में फैसला किया, मैं ऐसे रिस्क लेके बनाऊंगा, लोग कहते हैं तुझे मार देंगे यहाँ पर, ऐसा ऐसा ऐसा, डर के नीचे जी के उसने उस कार्य को पूरा किया। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, ओके चर्च में टेंट के, अच्छा पुरानी छतें हो चुकी हैं, फटी पुरानी छतें हैं, किसी के मन में प्रभु ने डाला जिस सारी छतों के लिए बोना है और सारी आज रंग बिरंगी छतें होगी चर्च में, हालेलुया। ये क्या है? हिलना आत्मा से। आत्मा को ना बुझाओ। जब आत्मा तुझे हिलाए तो उसे बुझाना मत। जब हम अपने गिफ्ट को यूज करने के लिए फास्टिंग रखते हैं, रोना आता है, रोना आता है। जब हम अपने आप को तोड़ते हैं, रोना आता है। जब हम लोगों का भला करने के लिए अपने बहुत सारे हिस्सों को शॉर्ट स्टॉप करके रखते हैं, रोना आता है। जब हम लोगों का भला करने के लिए अपने बहुत सारे एक पास्टर विषय को
स्टॉप करके रखता है कि खुदावन जब तक मुझे ग्रेस ना देगा इन विषय पर मैं हाथ नहीं लगा सकता। रोना आता है जब एक अगुआ अपना सब कुछ छोड़ के लोगों के लिए जीता है। पर जब तुम बोते हो अपने आप को घटी में तो तुम काट नहीं पाओगे बढ़ोतरी में। हालेलुया। क्यों मसीह बिलीवर ब्लेस नहीं है? इन बातों को ना होने के कारण। चेक करो तेरे पास क्या है। लिखा जो बोएगा जो देगा उसे और दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। तुझे यूज करना है। देखो मेरे पास क्या है। तेरे पास गाड़ी है, लोगों को बिठा के चर्च में लेके आ, तेरे पास दो गाड़ी हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? रेवलेशन। चेलों पर जो बातें प्रकट की प्रभु ने, लोगों को दृष्टांत पे समझाता था और चेलों पर डायरेक्ट, और आज अगुओं के द्वारा प्रभु आपको समझाता है। चेले बनो तो तुम वेद को पाओगे। जब तक तुम वेद को नहीं पाओगे तुम स्टेप नहीं ले सकते। मान लो जब तक तुझे सिखाएगा नहीं कोई व्यक्ति प्रभु का दास, तुम स्टेप नहीं ले पाते। जब तुम सीखते हो स्टेप लेते हो फिर आशीष हो जाते हो, फिर तुम्हारे बंधन टूट जाते हैं, फिर जो तुम चाहते हो वो तेरी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा रख के मांगते हो कि तुम भोग विलास में अपनी इच्छा में उड़ा दो, इसलिए तुझे नहीं मिलता। जब तुम प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे तो खुदा तुझे देगा। हालेलुया। 10 बंदों के ऊपर तू टीचर है, अगुआ है, फोरमैन है, तुम मैनेजर है, सब तेरे नीचे काम करते हैं। क्या तूने अपने नीचे काम करने वालों को कभी सुसमाचार सुनाया है? क्या तूने अपनी अथॉरिटी को यूज किया? एक टाइम मेरे पास गिफ्ट था कि मैं जिम में लगाता था और जिम में जितने लोग आते थे उन्हें सुसमाचार देता था। एक समय मेरी दुकान थी, दुकान में जितने लोग आते थे सुसमाचार देता था। तो क्या तुम जिस भी हिस्से में हो, क्या तुम अपने वरदान को, अपने गिफ्ट को प्रभु की महिमा के लिए यूज कर रहे हो? हालेलुया। तेरे पास बोलने का टैलेंट है, क्या तुम सेवा में हो? तुम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हो, क्या तुम वॉलंटियर हो? तुम एक बुद्धिमान हो, प्रबंधक हो, एक अच्छे मैनेजमेंट करने वाले हो, क्या तुम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को चर्च में ड्यूटी लेके, सेवा लेके यूज करने को आगे बढ़े? क्योंकि बाइबल में बुद्धिमान और आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुना जाता था सेवा कार्य के लिए। पर तुम में है ये, पर तुम उसे यूज नहीं कर रहे प्रभु के भवन में। हालेलुया। तो लिखे जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे पास बहुत कुछ हो और तूने दबा के रखा हो। मैं हैरान हो जाता हूं, मैं जब भी कभी पब्लिक में जाऊं, बाहर जाऊं, मुझे मसीह बंदे मिलते हैं, ओ जी पास्टर जी आप संधु साहब है ना, अन्य जाति लोग भी, अच्छा यूट्यूब में हम देखते हैं आपको, मसीह भी कभी कभार आए वाले भी, हम आए थे आपकी चर्च में, हमें इसने बताया था उसने बताया था, मेरा ये रोग था मैं ठीक हो गया। मैं हैरान हो जाता हूं, मैंने कहा टेस्टिमनी कहाँ है? मैंने तो तुझे कभी नहीं पुलपर पर गवाही देते देखा। मैं हैरान हो जाता हूं, अगर चर्च में 100 लोग टेस्टिमनी लेते हैं, 50% लोग टेस्टिमनी नहीं देंगे, श्योर जो है नहीं देने वाले। इसका मतलब जिसके पास है वो दे नहीं रहा। अब मैं पहले बोने की बात कर रहा हूं, मैं गवाही की बात कर रहा हूं। मसीह लोग क्यों नहीं ब्लेस हो रहे? मसीह लोगों की पहले बहुत टेस्टिमनी बनी उनकी, नए नए आए प्रभु में, मैंने तम्बाकू छोड़ दिया, मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने गालियां छोड़ दी। अब तूने ये गवाही कितने जूत को दी, कितने रिश्तेदारी में दी, कितने काम पर दी, कितने स्कूल में स्टूडेंट्स को दी? तेरी अगली गवाही तो ही बनेगी। तो अब तेरी गवाही बनी है, तूने आगे नहीं दी गवाही। डर लगता है कैसे बोलूं, ये भी एक बंधन है। कई लोगों ने आज आजादी प्राप्त की है इस बंधन से। हालेलुया। ये एक बंधन था आपके लिए, एक बंधन था क्योंकि तुझे मैं देख रहा हूं, मैं गवाही नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, लिखा दो, बोल देना, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरी गवाही पढ़ के सुना देना, मैं हाँ जी यस यस बोल लूंगा, गवाही पढ़ दूंगा, हाँ जो बोला है यस। पर गवाही जरूर दो, क्योंकि जिसके पास है वो उपयोग करता है, उसे और दिया जाएगा। अगर तेरे पास गवाही है, तुम मसीह है, चर्च में गवाही दो, हजारों लोग सुनेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर हजारों सुनेंगे, किसी के आंसू पहुंचे जाएंगे, किसी के जख्म हील होंगे, किसी का विश्वास बढ़ेगा, कोई तेरी सेम गवाही को सुन के सेम टेस्टिमनी लेके खड़ा हो जाएगा। खुदा किसको याद करेगा? तुझे और दिया जाएगा, तुझे और दिया जाएगा, तुझे और दिया जाएगा। तो समझ पा रहे हो? लोग डरते हैं, शर्माते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं भी नहीं गवाही दे पाता। मैं लिखाता था टेबल में पीछे जाके और डर जाता था, जब पता है आज गवाही है, लिखाता था। लिखाने के बाद मैं पता क्या करता था, प्रेयर, प्रभु प्लीज आज मेरी गवाही कैंसिल हो जाए, आज लैंड ना लोग, आज लैंड ले ही ना जाए, मेरी गवाही ना ले ही जाए, मेरी गवाही ना ले ही जाए। डर जाता था लिखाने के बाद, पर आज आपके सामने शेर की तरह दहाड़ रहा हूं। हालेलुया।
ओ मुंह तो खोलो, वो भर देगा यीशु के सामर्थी नाम में। स्टेप तो लो, वो तेरे साथ होगा यीशु के नाम में। इसराइलियों को स्टेप लेना था। तीसरी बात, मसीह लोग पहला बोते नहीं है, आशीषित नहीं है, गवाही नहीं देते, इसलिए अगली गवाही नहीं बनती उनकी। तीसरी बात, मसीह लोग स्टेप नहीं लेते अपनी लाइफ में। सुनते रहेंगे प्रचार, लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, घर जाके सो जाएंगे, अगले संडे आएंगे, सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम उस प्रचार को सुन के स्टेप नहीं लेते। अगर आज सुनो, अपने आप को दीन कर दो, हो जाओ दीन। अगर आज सुनो कि अपने पापों के दिल से पश्चाताप करो, घर में जाके याद करो मुझ में कौन कौन सी गलतियां, लिस्ट बनाओ, अकेली अकेली पर प्रभु की दया मांगो कमजोरी से आजाद होने के लिए, एक एक कमजोरी पर ग्रेस मांगो, एक एक कमजोरी के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, मुझे आजाद करे पवित्र आत्मा, एक एक कमजोरी के लिए यीशु के लहू का छिड़काव मांगो, यीशु के लहू से मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं इस पाप से। क्या तुम कार्य करते हो? इसराइलियों को प्रभु ने कहा, अगर तू स्टेप लेने के लिए तैयार हो, मैं आगे लाल समुद्र दो बाग करने के लिए तैयार हूं, आसमान से मन्ना बरसाने के लिए तैयार हूं, चट्टान से पानी निकालने के लिए तैयार हूं, लाल समुद्र दो बाग करने के लिए तैयार हूं, तू स्टेप तो ले। हालेलुया। आज एक व्यक्ति स्टेप नहीं लेता, पर मैं स्टेप लेता था, इंतजाम करता था, कुछ भी करता था, और प्रभु मेरे मार्ग खोल देते थे। सब काम खत्म करके अपना एग्रीकल्चर का और बाग के जाना, इस बस स्टैंड पर जहां पर आप जाते हो, सीधा बाइक लेके जाना, सीधा बस स्टैंड में पता लगना लास्ट बस है, मुझे लगता है निकल गया, लास्ट बस से चल भाग के बाइक ऐसे छोड़ के भाग जाना, कोई बात नहीं, इसमें मूर्खता मत करना, मैं तो आत्मिकता से करता था, छोड़ के भाग जाना, फिर पीछे फोन लगाना किसी को, मैंने बस स्टैंड पर बाइक छोड़ दी, चाबी भेजे, जल्दी जल्दी पहुंचो, उठा लो, क्योंकि मेरा चर्च जाना जरूरी था। रिस्क लेता था, स्टेप लेता था, कुछ भी करता था, पर जाता था, मसा खींचता था। हालेलुया। स्टेप लेता था, मीटिंग खत्म होने के बाद चर्च में सेवा करके जाना, सब चले जाते थे, एंड में जाता था, चाहे कितनी भी डांट क्यों ना सुननी पड़े, स्टेप लेना। हालेलुया। स्टेप लिया गया भवन शुरू करने का, और मेरा बिलीव है प्रभु इंतजाम करने का। हालेलुया। तुम स्टेप नहीं लेते, जिसका है वो यूज करे, जितना भी यूज करो। मैंने हैरान हो गया जब मैंने भवन के कार्य को शुरू किया, इतनी ब्लेसिंग आनी शुरू हुई मेरी लाइफ में। पहले प्रभु ने रोक रखा सब कुछ, जब मैंने बड़ा स्टेप लिया, प्रभु ने मेरे लिए बड़े स्टेप ले लिए। हालेलुया। तुम स्टेप लो, खुदा तेरे साथ है। दाऊद ने स्टेप लिया, मैं वफादार रहूंगा परमेश्वर के साथ, आराधना में रहूंगा, मजबूत बना रहा, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा, चाहे हालात कैसे भी थे उसके। एस्तर ने स्टेप लिया कि मैं जाऊंगी राजा के सामने, चाहे मर गई तो मर गई। गिदोन ने स्टेप लिया जब प्रभु ने कहा हाँ मैं तेरे साथ हूं, उसने कहा चिन्ह दे प्रभु, प्रभु ने चिन्ह दे, स्टेप लिया, खुदा ने उसके द्वारा बड़ा अद्भुत काम किया। प्रेरितों ने स्टेप लिया, बाहर गए, लंगड़े को उठाया, प्रभु ने जान पार डाल दी उसमें, चलने लगा वो। चेलों को प्रभु ने कहा जाओ जाके प्रचार करो, मैं चिन्ह और चमत्कार को तरह हुक्म दूंगा। आज तुम प्रचार ही नहीं कर रहे, चमत्कार प्रभु को कैसे हुक्म देगा। तुम पास्टर्स मीटिंग्स करो, जाओ एक लोगों को बोलो घरों में मीटिंग रखो, मैं आ रहा हूं। तुम संडे में एक ही मीटिंग करते हो, कैसे मसा बढ़ेगा। दो मीटिंग करो हफ्ते में, मसा बढ़ेगा। तीसरे दिन लाइव हो जाओ, मसा बढ़ेगा। क्योंकि जब तुम यूज करोगे, अंदर से वचन निकलेंगे, पानी निकलेगा, तो तुम खुद भी गीले हो जाओगे उससे। हालेलुया। समझना इस बात को, यूज करो उसे, स्टेप लो। तुम गलत जगह में काम करते हो, तुम स्टेप नहीं ले पाते। एक व्यक्ति था, वो ठेके का काम था उसका, 40,000 उसको महीने का आता था। उसकी सिस्टर सेवा में थी, और उस बंदे ने फैसला किया, वो उसका साथ दे रहा था अपनी सिस्टर का सेवा में। वो कहता है पास्टर जी मैं ऐसी जगह में काम करता हूँ, मैं स्टेप लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं तो तुझे बता सकता हूँ, अगर प्रभु पर बिलीव करना है, गट्टी में जीने के लिए, चेले के लिए तैयार है कि प्रभु मैं इस काम को छोड़ूंगा चाहे मुझे गट्टी में जीना पड़े, अगर इतना है प्रभु से प्यार तो ले लेना। उसने स्टेप लिया, उसके बाद उसकी चर्च में हॉल में लोग भरने शुरू हो गए। हालेलुया। कदम उठाओ। आज तुम स्टेप नहीं ले पा रहे हो, हाँ जी आप ना तेरी अन्य जाति से मैरिज करावांगे, तुम दो तीन आंसू बहाते हो और मान जाते हो, खड़े हो, तेरे सामने प्रसाद आता है, स्टेप लो। मैं नहीं लूंगा ऐसे, मैं अपनी पवित्र आत्मा को खोऊंगा नहीं, मैं उसकी उपस्थिति को बहुत दिनों से मुश्किल से पाया है, मैं 10 रुपए की 5 रुपए की चीज से इसे खोऊंगा नहीं, स्टेप लो। आज कई पास स्टेप नहीं लेते, नहीं मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मारेगा पीटेगा, मैं विरोध के इलाके में हूँ, और डर के बैठे सेवा में, और यूज नहीं हो रहे, मसा नहीं बढ़ रहा उनका। कोई निकल के सेवा कर रहा है,
और प्रभु उनका मसा बढ़ाता है। इतने चर्च में लोग देता है, इतने अधिकारी देता है, इतना स्टाफ देता है, इतना टीम देता है, कोई गर्ज के खड़ा नहीं हो पाता चर्च के सामने। कोई तो बढ़ रहा है, कोई डर के बैठा हुआ है। जिसके पास है वो यूज करेगा। इसी बिंदु पर मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं, उसे और दिया जाएगा। यूज करो, स्टेप लो अपनी लाइफ में, कदम बढ़ाओ। आज एक लड़की किसी के साथ फोन पे बात कर रही है, प्रचार सुनती है, उनको लग रहा है लड़का बात कर रहा है, नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, ब्लॉक कर देता हूं। जोश में आके कर दिया ब्लॉक, घर में गए, रात को अकेले में सोए, फिर से अकेलेपन ने बात की। शैतान आया जैसे हवा के पास अकेलेपन में आया था, जैसे दाऊद अकेले में छत में ठहर रहा था, अकेलेपन में आया उसके पास। आज भी जब आप अकेलेपन में होते, वो आपके पास आता है फुसल फुसल करने, वो फिर तेरे मन में आता है, हाय वो सुसाइड ना कर ले, हाय वो कहती सी तेरे बिना मैं मर जाना, मेरा नंबर अनब्लॉक कर दे, नहीं तो मैं कुछ खा लेना पी लेना। शैतान बोल रहा है चल अनब्लॉक कर उसे, और फिर वो लवजू 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 करना उसने शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसे चक्करों में फंसा भी है, पहला तो वो ये स्टेप लवे। अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, फ्रेंड फ्रेंड के चक्कर में मसीह में आने से पहले ही फंसा हुआ है, फंसा हुआ नहीं कह सकते, फंसा हुआ जो चल रहा है कुछ भी रख लो, पहले तो तेरा देश ये स्टेप ले कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं प्रकट हो जाएगी तुझे जल्दी। कई बार तुझे हर एक चीज़ को तो बोलते क्या प्रभु की इच्छा है कि नहीं इसमें, क्या प्रभु इसी से ही मेरी मैरिज होगी या कोई और होगा। तेरी लाइफ के स्टेप लुके रहते जब तक तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा की आवाज़ मसीह व्यक्ति क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि उनका फोकस अपनी बातों की ओर है, परमेश्वर की ओर नहीं। जिस दिन आपका फोकस सब चीज़ों की ओर ध्यान हटा के आपने परमेश्वर को अपना प्यार देना शुरू कर दिया, खुद ब खुद उसकी आवाज़ आपके कानों में आनी शुरू हो जाएगी। तो स्टेप लेना है। सबसे पहले बाइबल ने कहा प्रेम निष्कपट हो, कपट नहीं होना चाहिए। अगर तुम बात भी कर रहे हो मसीह में आने से पहले, तुम दोस्त थे और अब तुम लिखे तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, उसमें कपट ना हो। तुम प्रेम कर रहे हो, तुम्हारी दोस्ती है, कोई उसमें शारीरिक रिलेशनशिप ना हो, कोई उसमें गंदे विचार ना हो, फोन में कोई गंदे बातें ना हो, कोई गलत रिलेशनशिप ना हो, कोई गंदा देखना हो ना हो, कोई टच ना हो, फिर तुम बात कर रहे हो, कोई गलत रिलेशनशिप नहीं है, तुम फ्री हो, तुम बचे हुए हो। पर अगर वो चीज़ बार बार तुझे फंसा रही है, तुझे स्टेप लेना होगा, तुझे अलग हो जाना होगा उससे। कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, एक दो साल के लिए प्रभु की इच्छा, आपने अपनी कॉलिंग में बढ़ो। अगर एक टाइम होएगा प्रभु की सचमुच कॉलिंग होगी, प्रभु फिर से आपको मिला देगा। पर क्यों अब टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब एज नहीं है। जब राइट टाइम आएगा, खुद ब खुद एक वाइफ तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, एक हस्बैंड तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा। पर तब तक पवित्रता में रहो, प्रभु बेस्ट वाइफ बेस्ट हस्बैंड को देगा आपको। हालेलुया। लोग पवित्रता में वेट नहीं करते, जल्दी मैरिज चाहते हैं। मैंने 29-30 साल में मैरिज की, अड़ा और खड़ा रहा, निष्कपट प्रेम में खड़ा रहा, पवित्रता में खड़ा रहा, और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी मुझे। और आज ये ऐसी ब्लेसिंग है, हर कोई मांगता है प्रभु, जैसे इस प्रभु अपने दास को ब्लेस किया, ऐसे हमें भी ब्लेस कर खुदा। तो लोग कहेंगे कि जैसी ब्लेसिंग तेरे पास, तो आपको इन चीजों में स्टेप लेने हैं। देखो मेरे पास क्या है, बस उसे उपयोग करो। किन बातों में मैंने स्टेप नहीं लिया, उनमें स्टेप लो। मनन करना है, मैं सिर्फ 5 बातें आज आपको देता हूं। नंबर 1, अगर तुम मसीह आशीषित होना चाहते हो, सेवकाई आशीष चाहते हो, अपना बोना चेक करो। नंबर 2, जो खुदा ने गवाही तुझे दी है, दूसरों को देना शुरू करो, उसे उपयोग करना शुरू करो। अगली बात, स्टेप लो अपनी लाइफ में। जिन चीजों में कदम नहीं लिया, तुम वचन सुनते जा रहे हो पर स्टेप नहीं लेते वचन सुनने के बाद, स्टेप लो, कदम लो, एक छोटा सा स्टेप लो, प्रभु उसे बढ़ाएगा। प्रेम तेरा निष्कपट हो, और अपने आप को जो दिया गया है चेक करो, मुझे क्या दिया गया उसे उपयोग करो। तो क्या तुम इन बातों को जो आज सीखी हैं, अगर तू इनमें काम करने के लिए तैयार है, तो वो आग से बपतिस्मा देने के लिए तुझे तैयार है। हालेलुया।